हेलो भाइयों, जति सिंह की एक और वीडियो। भाई आपका हार्दिक स्वागत है। भाई आज की वीडियो में भाई मैं एक, जैसे कि मेरे पास अपनी इग्निस है तो भाई मैं उसको डेली ड्राइव करता रहता हूँ और इसको भी कभी कभार ड्राइव करता रहता हूँ। ये तो चलो हमारे अंकल जी की गाड़ी है जिनको मैं काफ़ी ड्राइव करता रहता हूँ, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस वीडियो में भाई मैं मेनली शेयर करने वाला हूँ जो कि मेरे इस गाड़ी को लेकर अपना ड्राइविंग एक्सपीरियंस है। चलो भाई वो तो आप टाइटल वगैरह समझ के देख के आप समझ गए होंगे कि मैं इस वीडियो में क्या करने वाला हूँ। तो भाई इस वीडियो में मेनली करने वाला हूँ जो कि इस गाड़ी को चलाने वाला हूँ एज अ इग्निस ऑनर, कि मेरा इस गाड़ी को लेकर इग्निस के साथ क्या कंपेरिजन और क्या मेरे को फ़र्क लगता है इन दोनों गाड़ियों में, जो कि मेरा पर्सनल ओपिनियन जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगा। चलो भाई इस पर सबसे पहले तो भाई इसकी लुक्स अगर आप देख सकते हो, इसका पीछे से डिज़ाइन थोड़ा अलग है इग्निस से। चलो भाई इग्निस तो नेक्सा की गाड़ी हो गई, तो आपकी अरीना वाली गाड़ी है और इसका साइड लुक भाई कुछ ऐसी है। और इसका मैं आपको अगर फ्रंट से लुक बताऊँ तो फ्रंट से भाई कुछ ऐसी लुक है गाड़ी की। और इसको भाई मैं चलाना चलाऊँगा एज अ इग्निस ऑनर, कि मैं इग्निस ऑनर की मेरे को क्या इस गाड़ी में फ़र्क लगता है और क्या नहीं लगता है। भाई ये सब मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और इसकी भाई की आपको मैं दिखाऊँ तो ऐसी कुछ भाई इसकी मैं आपको की मिल जाएगी जो कि आपकी मैनुअल है, ऐसा कुछ कीलेस एंट्री वाला कोई सिस्टम नहीं, इसको आप ऐसे ऑन वगैरह कर सकते हो। इसमें सीट्स वगैरह भाई पूरी इग्निस जैसी है, जैसे कि उसमें मैनुअल सारी की आती है और इसमें भी भाई पूरा मैनुअल सिस्टम है। स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्लच पैडल वगैरह प्रेस करना पड़ेगा। इसमें भाई आपको कोई पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिलेगा, इसके आपको नॉर्मल की मिलेगी जिसको आप ऐसे घुमाओगे तो ये अपनी स्टार्ट हो जाएगी। इसमें भाई थोड़ा इंजन साउंड अंदर आता है जो कि इसमें इंसुलेशन वगैरह नहीं है, तो इसमें इंजन साउंड भाई काफ़ी अंदर आ जाता है। ऐसा कुछ भाई इसका गियर नॉब है जो कि, चलो मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या सिस्टम है इसका, कितना हार्ड है। और इसका हैंड ब्रेक का आपको सिस्टम बताऊँ तो हैंड ब्रेक है इग्निस से थोड़ी हल्की है, इसकी इग्निस की थोड़ी हार्ड है बस, की इसकी थोड़ी स्मूथ है काफ़ी, जो कि काफ़ी पर्सनली मेरे को काफ़ी बढ़िया लगता है। और इसको मैं चला के दिखने वाला हूँ कि क्या सिस्टम है और कैसा नहीं है। भाई यहाँ पर इसका आपको मीटर वगैरह मिल जाएगा जो कि अपना सारा स्पीड वगैरह बताता है और इसमें आपको कितने किलोमीटर चली एवरेज वगैरह, यहाँ से इसको आप चेंज वगैरह कर सकते हो। यहाँ पर फ्यूल वगैरह बताते हैं कि कितना क्या सिस्टम है। यहाँ पर आपको भाई इसका, अगर मेरे को दो भाई पर्सनली जा सकती मैं इग्निस चलाता हूँ, तो उसका भाई डैशबोर्ड इसका जरा सारा सिस्टम स्पीडोमीटर वगैरह इसका भाई जरा, जो कि मेरे को थोड़ा इतना पर्सनली नहीं लगता है। अच्छा चलो भाई इसको चला के देखने वाला हूँ, गियर नॉब इसको करता हूँ थोड़ा डाउन और इसको थोड़ा चला के देखता हूँ कि क्या सीन है। इंजन साउंड तो भाई काफ़ी आ रही है अंदर इसमें, और इसको मैं अगर सीट बेल्ट लगाए तो ये बताता रहता है। चलो कोई ना, मैं सीट बेल्ट लगा लेता हूँ पहले, तो वगैरह बढ़िया लगा रखी है भाई। सीट बेल्ट पहननी चाहिए आपको, सेफ्टी से रिलेटेड ये चीज़ है जो कि आपको रखनी चाहिए। और इसको भाई अगर मैं चलाऊँ तो भाई इसका एक्सेलेरेशन साउंड भाई काफ़ी अंदर आ रहा है और इसका थोड़ा गियर नॉब ना थोड़ा सा हार्ड है, बट पता नहीं है इसमें सिस्टम है जो कि इसका मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है कि या फिर सभी एस्प्रेसो में ऐसा ही आता है, ये तो मेरे को पता नहीं है। बट जितना कि मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है तो भाई इसका स्टीयरिंग और इसका जो गियर नॉब है वो काफ़ी हार्ड है, उतना स्मूथ नहीं है जितना कि होना चाहिए। बट चलो यार भी ठीक है, उतना कुछ नहीं है, बट ऐसे कुछ भाई यहाँ पर रोड है जहाँ पर आपकी गाड़ी बस दूसरे गियर में ज़्यादा चलेगी, इससे आप तो ऊपर ले जाने की ट्राई करो तो उतना नहीं पॉसिबल है। यहाँ पर थोड़ा अप डाउन वगैरह बहुत है ना, हिली एरिया है ना ये, थोड़ा तो उतना रहता है ये। और इसका स्टीयरिंग थोड़ा सा हार्ड है, उतना स्मूथ नहीं। ये आपका 1 लीटर का पेट्रोल इंजन है जो कि आपको निकाल के देता है 69 BHP और 89 Nm समथिंग का टॉर्क, इतना कुछ है इसका सिस्टम। और यहाँ पर आपको इसका डिजिटल स्पीडोमीटर मिल जाएगा और इधर की आपकी टच स्क्रीन मिल जाएगी जो कि सेम टू सेम इग्निस की तरह है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं कि आप जो सोचो कि इसमें बहुत फर्क है, सेम टू सेम इसकी टच स्क्रीन वही है, ज्यादा कुछ इसमें से टोटो वगैरह हो जाती है। और कि आपकी मैनुअल है, और ये भी भाई आपकी मैनुअल है, इसका आप MT वगैरह ले सकते हो। और इसका आप लेना चाहो तो यार थोड़ी पिकअप की कमी तो फील हो रही है ये मेरे को थोड़ी सी, इतने खैर बहुत बुरी कांपती है यार ये, पर चलो कोई नहीं यार भाई। एक्सेलरेशन साउंड तो भाई काफ़ी अंदर आती है, जैसा कि आप सोचो कि काफ़ी स्मूथ है, ऐसा नहीं है भाई, काफ़ी इंजन साउंड अंदर आती है इसमें, बहुत साउंड कर रहा है भाई इसका इंजन। चलो कोई नहीं यार, तो बात की बात है, ये तो नॉर्मल सी बात है। और भाई इसका अगर मैं आपको बताऊं कि सीटिंग पोस्चर कैसा है, तो भाई सीटिंग पोस्चर मेरे को थोड़ा सा ऊंचा है इग्निस से कंपेरेटिवली, और इसमें थोड़ा सा बंदा ऊपर होके बैठता है और इसमें आपको बोनेट वगैरह बढ़िया दिखाई देता है। और इसमें यार थोड़ा सा डैशबोर्ड यहाँ से ऐसा है ना, थोड़ा सा उतना खच खास नहीं लगता है मेरे को, बट चलो कोई नहीं यार, हर एक बंदे का पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, कई बंदों को ये चीज़ अच्छी लग सकती है और कई बंदों को नहीं लग सकती है। बट जो मेरा पर्सनल ओपिनियन इस गाड़ी को लेकर, इसके डैशबोर्ड को लेकर, वो है वो मेरे को काफ़ी कंप्लेंट करता हूँ भाई इसके बारे में कि स्पीडोमीटर यहाँ से यहाँ पर होता ना तो काफ़ी बढ़िया लगता है, बट
चलो कोई नहीं, टिपिकल मारुति। और इसके एसी कमेंट्स को लेकर भाई, इसका एसी कमेंट सीधे आपके यहाँ हाथ पर आ जाते हैं, तो आपका हाथ पर ज़्यादा ध्यान रहता है कि आपके यहाँ जल्दी ठंडे हो रहे हैं। बट चलो कोई नहीं भाई, इसको आपको टेम्परेचर वगैरह बार बार सेट करते रहना पड़ेगा, उसमें ये वाली दिक्कत है। और बाकी कोई नहीं यार, बाकी सेम टू सेम इग्निस की तरह, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, सेम वही मारुति वाले इंजन है। जैसे कि आप रिफाइनमेंट वगैरह के लिए आप उनको बढ़िया ले सकते हो, और पता तो है आपको कि मारुति के इंजन कितने रिलायबल होते हैं और कितने बढ़िया वो चलाने में होते हैं, ऐसी कुछ दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें गियर 9 ऐसा आता है जो कि अपना 5 इसमें टोटल गियर है और 6 रिवर्स है। इसमें थोड़ा सा हार्डनेस है वगैरह, इतना आप सोचो कि स्मूथ है इग्निस से कंपेटेबली, भाई इग्निस से तो काफ़ी हार्ड है। इसका इग्निस का भाई सेटिंग पोस्चर भाई थोड़ा सा नीचे है, बट इसका थोड़ा सा ऊंचा है, जो कि एसयूवी वाली फील देता है आपको। और ये थोड़ी गाड़ी ऐसी है ना एसयूवी टाइप, तो इसको भाई आप जैसा जहाँ मर्जी कुदा दो, ऐसी रीडों वगैरह पर जहाँ मर्जी कुदा दो, आपको कोई रीड नहीं, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, थोड़ा अप डाउन वगैरह इधर, तो चलो उसको बाद में कर लूँगा। इसमें थोड़ा सा इशू नहीं रहता है कि आपको कहीं गाड़ी नीचे से टच वगैरह हो रही है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गाड़ी आपकी बढ़िया चलती है। क्या आप ऐसा सोचो कि दिक्कत वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं भाई। जैसा कि मैं आपको यहाँ से थोड़ा जगह थोड़ी अप डाउन है, जिसको यहाँ से आराम से इसको मैं ले जा सकता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इंजन साउंड तो भाई काफ़ी करता है इसका इंजन, बट चलो कोई नहीं आ रही तो पर्सनल बातें हैं, तो चलो बाद में होती रहेंगी। एकदम लैगी यार काफ़ी, देखो यार थोड़ा पीछे करके देखता हूँ मैं, काफ़ी लैगी यार। उतना बोलो कि इसका फास्ट रिस्पॉन्स है तो भाई ऐसा नहीं, काफ़ी लैगी और धूप ढला वगैरह और ऐसी इसकी स्क्रीन भी वगैरह हो जाती है नीली वगैरह। चलो कोई नहीं है, तो चलो होता रहेगा। और इसका भाई टर्निंग रेट इसमें आपको बताऊँ तो इसका 4.2 मीटर है, जो कि बहुत कम है, और गाड़ी आराम से भाई कहीं पर भी उड़ जाती है, और ऐसे रोडों पर भी भाई काफ़ी आराम से ये चढ़ जाती है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर भाई मैं ये बताऊं कि इग्निस का ज़्यादा अच्छा है सीटिंग पोस्चर की इसका, तो भाई मेरे को पर्सनली मैं बताऊं तो अपना, मेरे को इग्निस में बैठने की आदत है, ऐसा नहीं मैं उस गाड़ी को चलाता हूं तो मैं उस गाड़ी की तारीफ कर रहा हूं, भाई ऐसा नहीं है। उसका थोड़ा सीटिंग पोस्चर भाई मेरे को काफ़ी रिलैक्सफुल लगता है, बट इसका थोड़ा सा स्टिफ है, और यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस वगैरह भाई काफ़ी है इसमें, बट इग्निस में भाई पीछे थोड़ा स्पेस की कमी है, बट इसमें स्पेस की भाई आपको कोई दिक्कत वगैरह का भी फील नहीं होगी यार, ऐसा कुछ सिस्टम है इसका। और इग्निस से कंपेटेबली बताऊं कि इग्निस से काफ़ी बढ़िया है, और इसका बढ़िया है तो भाई मेरे ख्याल से भाई इग्निस का काफ़ी बढ़िया है। इसका थोड़ा सा लग रहा है मेरे को थोड़ा सा इशू, बट चलो कोई नहीं है, तो चलो बात की बातें हैं तो होती रहेंगी। बट इसका मेन तो जो ये है ना स्पीडोमीटर भाई, वो मैंने इस वीडियो में डिस्कस करा, जो कि ठीक है यार, बढ़िया क्या ही बोल सकते हैं, टिपिकल मारुति। चलो भाइयों ये थी वीडियो, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।